हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो भाई साहब, अगर हम लोगों की ट्रिप स्टार्ट होने वाली है, एक गाड़ी ये लेके जा रहे हैं, एक गाड़ी अपनी लेके जा रहे हैं। हाँ, तो भाई साहब, अचानक प्लान बन गया। अचानक तो नहीं, प्लान तो बन ही गया है हम लोगों का। जा रहे हैं हम लोग बांधवगढ़ जंगल सफारी पे। तो पहले तो अपन सामान ठूसते हैं, फिर डिटेल्स बताते हैं रास्ते में। चलिए तो शुरू करते हैं आज की जर्नी। हर हर महादेव। चलो भाई, पहले तो सामान लोड किया जाए, गाड़ी को उधर लगाते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे आज की जर्नी, जो कि भोपाल से बांधवगढ़ तक की रहने वाली है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है बांधवगढ़, जहाँ जंगल सफारी होती है, और वो रहने वाली है 500 किलोमीटर की। तो आज की डिस्टेंस जो हमें कवर करनी है वो है 500 किलोमीटर। तो चलो भाई, पहले रखते हैं सामान। ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये? इधर रखेंगे अपन सामान। भाई दो दिन के लिए जा रहे हैं, लेकिन सामान इतना है हमारे पास। चलो भाई, सामान हो गया है पैक। हमारे साथ जा रहे हैं कैंडी महाराज ऑल्सो। चलो भाई, हो गई अपनी गाड़ी तो पूर्णतः पैक। ये अपना थोड़ा इम्पोर्टेंट वाला वो है बैग, इसको इज्जत मिलती है, आगे रख के ले जाया जाएगा। भाई ये है हमारा छठा ट्रैवल कंपेनियन कैंडी महाराज। कैंडी, अभी से नींद आने लगी तेरे को? कैसे ट्रिप में करेगी? ये देख, इधर देख। हेलो बोल, हेलो। चलो बाहर, बाहर चलो। इसको गाड़ी से उतारने में इतनी गुस्सा आती है इसको। इस टाइप से इसका कुछ सेटअप है, ये बेड इसको कर दिया है। चलो भाई, चला जाए अब। चलो प्रावा जी। तो भाई साहब, शुरू करते हैं आज की जर्नी। ट्रैवल कंपेनियन है हमारे निहारिका सिंह भदौरिया, अन्वेष तिवारी, ज्योत्सना रावत एवं अरुण अरुण प्रताप सिंह सिसोदिया। हाय कर दो बच्चों कैमरे में। शानू बेटा, तो भाई निकल रहे हैं अब। निकलना था 6 बजे, बज गए हैं 8। चलो शुरू कर रहे हैं आज की ट्रिप। कुछ बढ़िया चीज आती है रास्ते में तो फिर दिखाते हैं। तो वैसे मौसम काफी अच्छा हो रखा है अभी तो। हम लोगों ने वैसे जंगल ट्रिप का प्लान तो बना लिया, लेकिन अभी वेदर फोरकास्ट पे देखा तो बारिश है 2-3 दिन उस वाले एरिया में जहाँ हम लोग जा रहे हैं। तो बारिश में शेर दिखता नहीं है मुश्किल से। तो देखते भाई, ट्राई करते हैं, नहीं तो कुछ नहीं। अपूर्व जो हमारे साथ जा रहा है, निहारिका का भाई, उसका बर्थडे है, वही सेलिब्रेट करके आ जाएंगे। दूसरी गाड़ी में अपूर्व और उसके दोस्त हैं, इस गाड़ी में हम और हमारे दोस्त हैं। क्या दोस्तों, बोलो भाई। हाँ जी, तो घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही फिर से लग गया है ब्रेक। ब्रेकफास्ट के लिए ये बड़ा फेमस सा है भोपाल से। अगर आप लोग होशंगाबाद साइड जाएंगे तो पहले टोल पार करते ही आपको मिलेगा पूरन होटल, इसके समोसे बड़े फेमस है। तो चलिए भाई, खाते हैं भाई। ये है ब्रेकफास्ट अपना, वाइड स्प्रेड ऑफ ब्रेकफास्ट। सीधा ट्रे, ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। चलो भैया, खाएं, भूख लग रही है। किसी का हैप्पी बर्थडे हो गया है वहां पे। चलो भाई, ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है पूरा, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। बहुत लेट चल रहे हैं, गाड़ी हमारी बहुत लेट है, बहुत ज्यादा। चलो यहाँ से निकलते हैं। किसी किसी की अभी तक चाय चल रही है। तो भाई साहब, एमपी भी हमारा कम खूबसूरत नहीं है बिल्कुल। बस मौसम भी बढ़िया शानदार वाला हो रखा है, बादल बादल
लेकिन ये ट्रिप के लिए अच्छी बात नहीं है क्योंकि टाइगर नहीं दिखता है ऐसे मौसम में, अंदर उसके सोरा होता है, आलसी टाइप का रहता है जानवर। फिर भी गोइंग टू ट्राई आवर लक। इस रोड पे भाई साहब अगर कभी भी आ रहे हो तो गाय बहुत ज्यादा है, तो संभल के ड्राइव कीजिएगा अगर आते हैं तो, नहीं आते तो कोई बात ही नहीं, बताओ। ये पूरा जो जंगल वाला एरिया रहेगा ये सतपुड़ा रेंज में आता है जो कि काफी वाइड रेंज है एमपी में, वही जा रहे हैं। तो भाई रास्ते में एकदम से ये वाटर बॉडी दिख गई है खूबसूरत सी, तो टी डोर ले लिया है हम लोगों ने, हाईवे छोड़ के नीचे उतार दी है गाड़ी। अब एसयूवी लिए हैं तो थोड़े बहुत तो कांड करने पड़ेंगे ना भाई साहब, चढ़ तो जाएगी ना। बहुत गहरी सी उतार है ये, देखते हैं बोटिंग हो रही होगी तो बोटिंग करेंगे। भाइयों कोई आवाज नहीं करेगा, गए हैं तालाब के किनारे, नॉट एग्जैक्टली तालाब, वाटर बॉडी टाइप की है वो, हमने गाड़ी पार्क करी है, अब जा रहे हैं थोड़े से फोटोज वगैरह खिंचाते हैं। वो ऊपर से रोड जा रही है, बीच में घर बना हुआ है भाई साहब, वाटर बॉडी के पास तो आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा एक अंदर धसने वाली जमीन है इसलिए आगे नहीं जा पा रहे हैं। बढ़िया खूबसूरत नजारे, वर्थ कमिंग हियर। नहीं नहीं कोई बात नहीं बोल सकते भाई साहब। तो भाई साहब बढ़िया बढ़िया फोटोज ले ली हैं पानी के किनारे जाके, वो सारी फोटोज देखने मिलेंगी आपको हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जो कि है शेफ 10, प्लीज वो भी फॉलो करिए। तो अब चलते हैं यहाँ से जो कि रास्ता है काफी उबड़ खाबड़, निकलते हैं फटाफट अब यहाँ से, अभी भी डिस्टेंस बहुत बची हुई है। तो भाई साहब बढ़िया बढ़िया फोटोज ले ली हैं पानी के किनारे जाके, वो सारी फोटोज देखने मिलेंगी आपको हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जो कि है शेफ 10, प्लीज वो भी फॉलो करिए। तो अब चलते हैं यहाँ से जो कि रास्ता है काफी उबड़ खाबड़, निकलते हैं फटाफट अब यहाँ से, अभी भी डिस्टेंस बहुत बची हुई है। भाई साहब अब जबलपुर पहुंच चुके हैं, डीजल लेने रुके हैं, अब गाड़ी का एवरेज बढ़िया आ रहा है 14-14.5 का। हाँ भैया देख लिया जीरो, डीजल ही डाल रहे हैं ना, ऑटो कट पे लगा दो फुल पे। तो भाई जबलपुर तो पहुंच गए, अभी भी 150-200 किलोमीटर और बचा हुआ है, रुकते रुकाते जा रहे हैं आराम आराम से, मौसम बढ़िया है, ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही है। चलो भाई डीजल लेके आगे बढ़ते हैं, हल्की हल्की सी भूख भी लगने लगी है, लंच करने रुकेंगे कहीं पे। भाई साहब गूगल मैप्स की कृपा से फिर से ले जाके शहर के बीचों बीच फंसा दिया है, पता नहीं कैसा सा तो रास्ता आ गया है।
गूगल मैप से एक बार में कभी भी सही लोकेशन पे तो पहुंचाता ही नहीं है अपने को। कबट्टू यही रास्ता है, यही है भगवान। अच्छा चलो भाई, यहाँ लग रही है जनता को भूख, खाने के लिए कुछ भी नहीं पड़ा रहा है। उबड़ खाबड़ रोड और आ गई है, देखते हैं एक गाड़ी हमारी पता नहीं कहाँ रह गई है, बिल्कुल पीछे आ रहा है वो भी धीरे धीरे, उसके साथ कैंडी है ना इसलिए ज्यादा टाइम लग रहा है, बार बार पी पी करके उतरती है रास्ते में। चलिए भाई साहब निकलते हैं यहाँ से, कहीं खाने मिलता है तो दिखाते हैं, नहीं तो वहीं डायरेक्ट पहुंच के ही खाने मिलेगा लग रहा है। अरे बाबा रे भाई साहब, अब अपन फोर लेन छोड़ के आ गए हैं सिंगल लेन रोड पे, और बचा हुआ है कितने किलोमीटर और बचा है, 80 किलोमीटर और बचा है बांधवगढ़। रोड अच्छी है, नज़ारे भी बढ़िया हैं, ग्रीनरी है, थोड़ा जंगल वाला फील आना चालू हो गया है, वैसे धूप भी बढ़िया तेज निकल रही है, जो बारिश का डर था वो नहीं है, फिंगर्स क्रॉस्ड। तो भाई साहब लंच का ना कहीं कुछ नहीं मिला, और फाइनली मुश्किल से जाके एक ढाबा मिला है, देखते हैं बिल्कुल रस्टिक वाला ढाबा क्या मिलता है। भाइयों एक्साइटेड, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग लंच हियर, बिल्कुल डायरेक्ट किचन टू टेबल। कैसा महसूस कर रही हैं आप ऐसे ढाबे पर खाना खा के? हेलो, अभी तो खाया ही नहीं है महसूस कर। गाड़ी हमारी सामने खड़ी हुई है, बिल्कुल खाना आता है फिर दिखाते हैं। किसी ने बैठो सीट से, तुम उठा दिए कोई आदमी आता है तुम हमको उठा दिए। ये प्रॉब्लम इसीलिए हुई है, डिटेल बताएंगे बिट्टू। मान लीजिए आपका परिवार होता है पीछे का सर, बैठ ही गया भाई, बैठ ही गया भाई साहब। वही था अंकल बैठे हुए थे इस टेबल पे जिस पे हम लोग बैठे हुए हैं, और अंकल को ढाबे वाले ने उठा दिया और उनको लग गया बुरा, इसलिए वो लड़ा रहे थे, ये बात हुई है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? नया वी आई भी हम लोग देखते हैं तो क्या कर रहे भाई साहब, ये खाने मिलेगा है, ये मिला है खाने। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि खाएंगे कैसे इसको। भाई साहब बढ़िया खाना खा लिया है, दो सब्जी थी एक दाल थी और मेरे ख्याल से 8 या 10 रोटी थी सिर्फ, और एक पानी की बॉटल। सिर्फ बिल बना है 390 रुपीस, मतलब खाने का बिल तो 370 बना है। तो चलो भाई अब बढ़ते हैं, पानी की बॉटल खरीदी जा रही है, फिर और आगे जाना है 40-50 किलोमीटर और बचा हुआ है। रोड ज़रूर अब सिंगल है और इस रोड पे कुछ और मिलेगा भी नहीं, तो इसलिए यहीं रुक गए थे। खाना बढ़िया था, टेस्टी था, कृष्णा ढाबा शाकाहारी भोजनालय। चलिए अब आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं और पहुंचते हैं अब रिसॉर्ट में अपने जहां बुकिंग हुई है, मेरे को तो नाम भी नहीं पता, चलो पहुंच के दिखाते हैं। तो भाई साहब अब हम पहुंच चुके हैं जंगल के बीचों बीच, सारे हाईवेज और सारे, वैसे तो डबल लेन रोड थी वो, लेकिन अच्छी खासी थोड़ी थी वो भी छोड़ दी है। अब ये हार्ड कोर जंगल शुरू हो गया है यहाँ से, उमरिया के थोड़ा पहले लेफ्ट टर्न लेके अब जंगल की ओर अग्रसर है, और टेंस होता जा रहा है धीरे धीरे।
देखो देखो उसके सीन देखो कितने बड़े सीन है। थोड़ा सा इधर करके सब हीरो वगैरह तो हमें यही दिखने लगे हैं। दिखाइए जरा कैमरामैन ज़ूम करके हटा ले ना इसको पीछे डाल दो पीछे डाल। ये रहे हिरण अंदर बिल्कुल दिख रहे हैं कैमरा में तो दिख ही नहीं रहे। ये रहे कैमोफ्लेज हो गए ना ये रहे दिखा ना जरा बाहर निकाल के सब बढ़िया। ये देखिए हिरन दिख रहे हैं जंगल में। कौन सा वाला दिखा देखो अब दिख रहा है बिल्कुल क्लियर हिरन। जनरली पेड़ के बीचों बीच दिख नहीं पा रहे नहीं तो पड़ तो बहुत सारे रहे हिरन। ये देखिए सोच रहा है कि इनको ऐसे में शेर दिख जाएगा लेकिन शेर पैसे देख के तक तो दिखता नहीं है। टट्टी दिखा के ले आते हैं शेर की अब देखो ताजी नहीं यही से निकला होगा शेर पंजा दिखा लाते कई बार तो मैं इस मिट्टी में शेर। ये देखिए ये जंगल तो चालू हो गया कुछ डेडली जानवर दिखे तो मजा आए। हमको तो एक बार मड़ई में सिर्फ भालू की फोटो दिखा के ले आए। ये रहा छोटा सा शेर शेर आ रहा है शेर वीडियो बता तेरा। यहाँ पे होती है अपनी जंगल सफारी की बुकिंग बच्चे लोग को अभी बुकिंग का पता करने भेजा है। उधर सामने टिकट की बुकिंग होती है आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं लेकिन हम लोगों ने ऑनलाइन कराई नहीं। अब यहाँ से आके पूछ रहे हैं कितने बजे काउंटर खुलेगा फिर वहीं से टिकट कराएंगे कल सुबह की जंगल सफारी की। ये है भाई साहब बांधवगढ़ का छोटा सा मार्केट। यहाँ बेसिकली होटल्स ही ज़्यादा मिलेंगे आपको अच्छे अच्छे रिसोर्ट। इनफैक्ट 1 लाख रुपीस पर नाइट तक के रूम वाले रिसोर्ट हैं यहाँ पे। ताज सफारी है यहाँ पे ताज वाज के सफारी भी है यहाँ पे लॉज छोटी सी दुकान है केमिस्ट वगैरह की और ऐसे ही आपको बुटीक वगैरह वाली चीज़ें भी मिल जाएंगी। और यही था यहाँ का मार्केट। चलिए अब अपन पहुँचते हैं अपने रिसॉर्ट यहाँ से जो कि लेफ्ट लेके रहेगा कितने से इधर से लेफ्ट। सामान उतारा जा रहा है गाड़ी से। कोको भी है यहाँ पे तो कोको के कलर का कुत्ती भी है। ये देखिए अरे खुला मत छोड़ उसको दो दो हैं यहाँ पे भाई सब। ये है अपना रिसोर्ट जहाँ रहेंगे अपन 2 दिन और 2 रातें। बिल्कुल नेचर के बीचों बीच। तो ये है भाई कुछ रूम का टूर। नाइस बेड नाइस इंटीरियर वाला ये तो हम ही स्वयं है क्या बात है वाह। लैट्रिन बहुत प्यारी है इतना व्यू वाला रूम है ना हम लोगों का। ये देखिए आजकल ये वॉश बेसिन पता नहीं बाहर क्यों देने लगे हैं जितने भी अच्छे होटल्स रहते हैं। ये पूरा जंगल का व्यू और ये हैं हम। हेयर स्टाइल नई करेली है बताइएगा कैसी लग रही है। अच्छी नहीं लग रही है तो गाली मत देना। चलिए आइए भाई साहब आपको थोड़ा रिसॉर्ट का टूर दे देते हैं हम। पूरी खुले में प्रॉपर्टी है ये कॉटेजेस बने हुए हैं बढ़िया रूम आपको दिखाई दिया है। साफ सफाई चल रही है भैया लोग साफ सफाई कर रहे हैं। विंटर्स के बाद जो सीज़न आया थोड़ा सा पतझड़ वाला स्विमिंग पूल की भी व्यवस्था है रिसॉर्ट में जो कि अभी हो रहा है साफ फिर उसके बाद हम इसमें हरार गंगे करेंगे। थोड़ी धूप जाने दी है हाँ थोड़ी सी धूप कम हो जाए जब तक भैया बिल्कुल इसको
चमका के शानदार कर देंगे। चलिए अब गाड़ी से जरा चप्पल वप्पल निकाल ली जाए। तो भाई इधर आना पड़ता है आपको बुकिंग कराने के लिए, जो कि सफारी की बुकिंग होती है। अभी अंदर जाते हैं, पूरी प्रोसेस समझते हैं और समझाते हैं। थोड़ी बहुत ही भीड़ भाड़ है, अभी ज़्यादा टूरिस्ट आया नहीं है। वैसे भी मंडे है, थोड़ा कम ही फुटफॉल रहता है। चलिए अंदर पहुँचते हैं, बताते हैं। अब हम लोगों को मिली तो है नहीं टिकट, कल की स्लॉट पूरा हो गया था फुल। परसों की सफारी के लिए ट्राई करेंगे, अभी फ़िलहाल तो वापस जा रहे हैं अपने रिसॉर्ट में। थोड़ा रिलैक्स करते हैं, छोटू का बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करेंगे। अब देखते हैं कि रात में लाइट्स वगैरह चालू होने के बाद हमारा रिसॉर्ट कैसा दिखता है, जगमग जगमग। ये आ गया है अपना वाइल्ड हेवन रिसॉर्ट, बढ़िया है वैसे रिसॉर्ट। हाँ क्यों, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। चलो जरा गाड़ी पार्क कर दें, फिर उतर के दिखाते हैं। तो भाई ये है कुछ रिसॉर्ट, रात में लाइट चली गई यार, राइट हर कभी लाइट चली जाती है यहाँ पे। तो भाई ऐसा कुछ रिसॉर्ट है, पूरा जगमग जगमग हो गया, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये हम लोग के रूम्स हैं, ये दो रूम्स हैं, ये हैं कैंडी लाल जो घूम रहे हैं पूरे में। ये है रूम हमारा भाइयों, एक छोटा सा गेस्ट आया है हमारे पास, शेर तो अभी नहीं दिख पाया, बिल्ली आ गई। ये देखिए, ए हट भाई साहब, अपने को तो बहुत ही बेकार लगती है बिल्ली, फॉर ऑल द कैट लवर्स। पूरी कैंडी आ जाए ना, ज्यादा ही फ्रेंडली होने की कोशिश कर रही है ये बिल्ली। वहाँ पे भी कुछ सही है मेरे पास, हम लोग देखा था।